सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि बीसीसीआई ने आईपीएल की मौजूदा 8 टीमों को अपने 4 रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है, ऐसे में सभी 8 टीमें अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करने में लग चुकी होगी। लेकिन यहां पर आरसीबी की टीम को पहले ही तगड़ा झटका लगा है। आप जानते होंगे मिस्टर 360 डिग्री यानी एबी डी विलियर्स ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अब वो हमें आईपीएल में खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में आखिर वो कौन से 4 खिलाड़ी होंगे जिन्हें की आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि दोस्तों अगर एबी डी विलियर्स होते तो ये लिस्ट कुछ अलग होती, लेकिन अब वो नहीं होंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल है जिन्हें की आरसीबी की टीम रिटेन करेगी, इसी बात पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन है, विराट कोहली के फैन है, एबी डी विलियर्स के फैन है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और भी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों से जुड़ी वीडियो आने वाली है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों बता दें कि बीसीसीआई ने आईपीएल की मौजूदा 8 टीमों को अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया है। और जो दो नई टीम है अहमदाबाद और लखनऊ की टीम, उन्हें ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को चुनने के लिए 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक की विंडो दी गई है। यानी मेगा ऑक्शन का आयोजन हमें जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर मौजूदा 8 टीमों में से जो कोई भी टीम 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उस टीम के 90 करोड़ के बैलेंस पर्स में से 42 करोड़ रुपए काटे जाएंगे, जहां पे पहले खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 16 करोड़ की सैलरी चुकानी पड़ेगी, दूसरे खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 12 करोड़ की, तीसरे खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 8 करोड़ की और चौथे खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 6 करोड़ की सैलरी यहां पर टीमों को चुकानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम आखिर कौन से 4 खिलाड़ी को रिटेन करेगी। तो दोस्तों यहां पर पहले नंबर पे तो ऑब्वियसली विराट कोहली होंगे। दोस्तों विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि टूर्नामेंट के पहले संस्करण से आरसीबी के साथ ही जुड़े हुए हैं, मतलब कि आरसीबी का पूरा फैन बेस विराट कोहली के इर्द गिर्द है। और भले ही विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनके जैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर आरसीबी की फ्रेंचाइजी उन्हें पहले खिलाड़ी के रूप में 16 करोड़ की सैलरी में रिटेन करेगी। हालांकि पिछले 4 सीजन में विराट कोहली की सैलरी 17 करोड़ रुपए की रही है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को अपनी सैलरी को लेकर टीम से बातचीत करने की छूट होगी। तो यहाँ पर विराट कोहली की सैलरी आईपीएल 2022 में 16 करोड़ या 17 करोड़ से भी बढ़ सकती है। उनके बाद दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 स्लॉट के लिए आरसीबी की फ्रेंचाइजी ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एबी डी विलियर्स होते तो वो हमें लिस्ट में नंबर 2 पर देखने को मिलते, लेकिन वो अब नहीं है। तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ही हमें नंबर 2 पर देखने को मिलेंगे, इसके पूरे चांसेस है। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के आने से आरसीबी की काया पूरी तरीके से पलटी है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और सिचुएशन के हिसाब से गेयर चेंज करने की एबिलिटी आरसीबी को आईपीएल 2021 में बहुत ही मददगार साबित हुई है। साथ ही उनकी गेंदबाजी करने की स्किल टीम को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देती है। तो दोस्तों अगर ग्लेन मैक्सवेल ऑक्शन में जाते हैं तो आरसीबी के लिए उनको वापस पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही हर साल ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन एवरेज रहता है साल 2021 को छोड़कर, लेकिन फिर भी हर ऑक्शन में उनके ऊपर काफी ज्यादा बोली लगती है। इसीलिए दोस्तों यहां पर आरसीबी की टीम ग्लेन मैक्सवेल को नंबर 2 स्लॉट के लिए 12 करोड़ की सैलरी में रिटेन करेगी। उनके बाद दोस्तों यहां पर नंबर 3 स्लॉट के लिए दो दावेदार है, मोहम्मद सिराज और देवदत्त पड्डीकल। दोस्तों भले ही देवदत्त पड्डीकल ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर पिछले 2 सीजन में आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन हम मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन को नहीं भूल सकते। एक ऐसा भारतीय तेज गेंदबाज जो कि 140 प्लस की गति से गेंदबाजी कर सकता हो, पावर प्ले में, डेट ओवर में गेंदबाजी करता हो और सटीक यॉर्कर फेंक सकता हो, ऐसा भारतीय गेंदबाज ऑक्शन में वापस से मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यहां पर आरसीबी की फ्रेंचाइजी मोहम्मद सिराज को नंबर 3 स्लॉट के लिए 8 करोड़ की सैलरी में रिटेन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। देवदत्त पड्डीकल के ऊपर आरसीबी की फ्रेंचाइजी ऑक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उनके बाद दोस्तों यहां पर नंबर 4 स्लॉट के लिए भी दो दावेदार है, 2021 सीजन के पर्पल कैप विनर हर्षल पटेल और चतुर चालक यूजी चहल। दोस्तों मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम यहां पर हर्षल पटेल को रिटेन करेगी, रिटेन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने बहुत ही मुश्किल से भारतीय तेज गेंदबाजों का मजबूत कोर तैयार किया है। हर्षल पटेल ने आईपीएल के 2021 सीजन में शानदार गेंदबाजी की, सबसे ज्यादा विकेट ली, 32 विकेटें उन्होंने ली और हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जहां पे उन्होंने शानदार गेंदबाजी तो की लेकिन ये भी बताया कि वो बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनके बल्लेबाजी के आंकड़े अच्छे हैं। तो यहां पर हर्षल पटेल आरसीबी को शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी डेप्थ दिला सकते हैं। हालांकि यहां पर यूजी चहल भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी हर्षल पटेल को रिटेन करेगी नंबर 4 स्लॉट के लिए 6 करोड़ की सैलरी में। दोस्तों यहां पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम ऑक्शन से पहले विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल को रिटेन करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी की फ्रेंचाइजी यूजी चहल या फिर देवदत्त पड्डीकल को रिटेन करेगी नहीं करेगी, कमेंट में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों से जुड़ी वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।